जिस जगह में मैं बैठा हूँ, जिस जगह में आप खड़े हैं, इसी जगह में शक व शुबा है, हमारी वो फूफी की लाश हो सकती है। हमारी जो फूफी है वो साथ ही घर है, वहाँ से यहाँ पर ये जो फ्लड आया हुआ है, तो इसके नीचे मलबे तले उसका शक है कि वो लाश मुमकिन है। वाली साहब ढूंढ लिया तो वो भी दबा हुआ है। डेड बॉडी ढूंढ रहा हूँ, आज 3 दिन एक्सीटर लगी हुई है, अपना जेब सीट पे से देता हूँ। Pakistan has 7,000 glaciers that are found anywhere except the polar regions. Mountain glaciers of Gilgit-Baltistan are about 30% of the total area, and an additional 40% is under seasonal snow cover, but at the risk of climate change. With hundreds already being affected, thousands are in line of becoming climate refugees. But there were few who saw this coming. Atabad landslide, jo ke 2010 se pehle ek gaon tha sirf, और उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस हुआ इतनी ह्यूज लैंडस्लाइड की वजह से। इसका बैकग्राउंड सिनारियो कुछ इस तरह है कि हमें अगस्त 2009 में NDMA से, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, एक लेटर रिसीव हुआ जिसमें हमें एक फर्स्ट इंटीमेशन आई कि देर इज़ सम मास मूवमेंट, कुछ सरफिशियल इंडिकेशंस थी। हमने अगस्त में ये स्टडी कम्प्लीट की और सेप्टेम्बर 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, GPDMA और गिलगित-बल्तिस्तान गवर्नमेंट को हमने ये रिपोर्ट सबमिट की और बड़ी क्लियर रिकमेंडेशंस इसमें थी अलॉन्ग विद दी टेक्निकल फैक्टर्स जो हमने ऑब्जर्व किए। एक माउंटेनस रीजन है एंड माउंटेनस रीजन के इश्यूज़ थोड़ा डिफरेंट होता है। एक तो ये कि इट्स ऑलरेडी फ्रेजाइल और हार्श कंडीशन होती है वहाँ पर क्लाइमेट के हवाले से, एंड देन जो पॉपुलेशन है वो पॉकेट्स में रहते हैं और दे लिव विद रिस्क। देर आर वेरियस हैजर्ड्स, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, फ्लैश फ्लड हो, सेज्मिकली प्रोन जो है ना वो रीजन है, उसके अलावा डेब्री फ्लोज है, रॉकफॉल है, एवलॉन्चेस है, एंड यू जस्ट नेम इट। वो माउंटेनस हैजर्ड के हवाले से हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है। उसके साथ जब नेचुरल जो है ज्योग्राफिक सिचुएशन इस तरह की है, टेरेन उस तरह का है, तो लोग जो है ना जिन जगहों पे अपना घर बनाते हैं या अदर इंटरवेंशंस करते हैं तो वो वल्नरेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। टूरिज़म की वजह से जो हमारा इस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो जिस तरह हम अनप्लान्ड एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे होते हैं, उसका भी एक एडवर्स इम्पैक्ट भी है। फिर हमारी जो कल्चरल जो एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी उसके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है। दूसरा जो इसका हमारा जो इकोसिस्टम है, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, इकोलॉजी के ऊपर, आपकी इन्वायरमेंटल हेल्थ के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है। हमारे जो मेजर जियोलॉजिकल वहाँ पे स्ट्रक्चर्स हैं उसमें मेन मांटल थ्रस्ट है, मेन क्रोक्रम थ्रस्ट है, और मेन क्रोक्रम थ्रस्ट के नॉर्थ में अताबाद वाक़ है। तो ओवरऑल जो हमारी असेसमेंट होती है कि जो ये मेजर सूचर लाइंस हैं, इनके सराउंडिंग में एक सर्टन जोन होता है जिसको वो अफेक्ट करता है। Having less than 1% of carbon footprint, Pakistan is one of the most vulnerable countries to the impacts of climate change. Around 110 flash floods struck Gilgit-Baltistan, causing financial losses worth 7 billion Pakistani rupees, while thousands lost their lives. 26 अगस्त था और 11 बजे दिन को 2022 में मैं यहाँ से अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो अचानक इस तरह की कॉल आई मुझे मेरी वाइफ की तरफ से कि फ्लड आया हुआ है, तो आप जल्दी घर पहुंच जाए। मैं यहाँ जैसे पहुंचा तो मैं इलाके को नहीं पहचान सका, मैं अपना घर को नहीं पहचान सका, और मेरे बच्चे कहाँ थे और मेरी वाइफ कहाँ थी, मैं खुद कहाँ खड़ा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। तो जब मैं घर के उस तरफ से मैं खड़ा होकर मैंने जब देखा तो मेरा घर नज़र नहीं आ रहा था, फ्लड की हाइट इतनी ऊँची थी। मैंने अपने जो हमारे मामू थे उनके घर की तरफ मैंने देखा तो वो घर ही नहीं था, घर मुकम्मल ख़त्म था, घर नहीं था वहाँ पर। बड़े भाई का घर की तरफ देखा तो बड़ा भाई का घर भी नहीं था। दो बेटियाँ कराची में पढ़ते हैं, एक बेटा मैं एक साइड में किसी पढ़ता है, वो छोटा बेटा और हम वालिद साहब वाइफ थी, तो हम आगे गए थे थोड़े से कोई काम के पीछे, तो ये 10-15-20 मिनट के बाद सैलाब आया, तो जल्दी यहाँ पहुँच गया तो क्रॉस करने के लिए जगह नहीं मिला,
तो वो गुरुंजर पुल क्रॉस करके यहाँ आया तो घर वाले सारे जिज्जे दबे हुए थे। वाली साहब ढूंढ लिया तो वो भी दबा हुआ है, वाइफ ढूंढ लिया तो वो ताज़ा थी, छोटा बेटा था वो ताज़ा था, बाकी सारा सामान गिर गया, बस इससे दबी हुई है। सैलाब में आकर बुरा तरीके से फंस गई, बस क्या करें। वाली साहब बह गए घर में, 6-7 बंदे थे, घर भी नहीं है, खाना पीना भी, जगह भी नहीं है, बस क्या करें। यहाँ पे अचानक इस तरह का जो फ्लड रोमना हुआ जिसमें बहुत बड़ी तबाही हुई, कोई 26,000 स्क्वायर फुट एरिया को इस फ्लड ने तबाह किया है, तो जिसमें कोई 4.5 किलोमीटर ये लंबाई में है, 4.5 किलोमीटर और चौड़ाई में कोई 3 किलोमीटर के हिसाब से, और बहुत बड़ा जो है ना वसी पैमाने में फैला हुआ है। क्योंकि इतना हार्श वेदर होता है कि हीटिंग उसके बगैर जो है ना वो मुमकिन नहीं होता है, तो वहाँ का जो ट्रेडिशनल मेथड है वो वुड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये कितने साल से जाहिर है यूज़ करके जो डिफॉरेस्टेशन इससे ज़्यादा हुई है। The real tragedy is not the disaster, but the negligence from the authorities who are cashing on it, contributing around 400 million rupees to the local economy over the last few years. But is this revenue beneficial in the long term? तो मैक्सिमम जो कमर्शियल एक्टिविटी हमारे यहाँ सीजन स्पेसिफिक जो है वो टूरिज्म ही है, या हमारी जो जियोग्राफी है वो मास टूरिज्म को सपोर्ट नहीं करती है, वो उसको फैसिलिटेट नहीं करती है। लेट्स से जैसे हम कुछ अल्पाइन इकोसिस्टम्स में जो टूरिज्म का बूम है, या टूरिस्ट जो हमारे यहाँ गर्मियों में बहुत ज़्यादा टूरिज़म का फ्लो होता है, अब उस टूरिज़म की वजह से न सिर्फ हमारे यहाँ व्हीकुलर इमिशंस आप बेहतर समझ सकती हैं, गाड़ियों की जो आमद रफ्त है, अगर एक सेंसिटिव एरिया में जहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, अच्छा अल्पाइन लेक्स हैं, अच्छा एक सेंसिटिव इकोसिस्टम है, वहाँ पे अगर 10 गाड़ियों की जगह आप 1,000 गाड़ियाँ वहाँ पे लेके चले जाएँ, तो जाहिर सी बात उनकी इमिशन से जो ग्लेशियर्स के ऊपर जो इम्पैक्ट हो, स्नो मेल्टिंग के जो ऊपर इम्पैक्ट होता है, उससे जो फर्दर जो हमें डिज़ास्टर्स की शक्ल में, फ्लड्स की, फ्लश फ्लड्स की शक्ल में, लैंड स्लाइड्स की शक्ल में जो चीज़ें हम फोर्सी करते हैं, उसकी वजह से जो इकोनॉमिक लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो टूरिज़्म से ज़्यादा वो लॉस हमें लॉस की शक्ल में मिलता है। जैसे रिसेंट पास्ट में जो बहुत सारी फेस्टिविटीज़ हमारे यहाँ इस तरह की होती हैं जो एक सेंसिटिव एरिया में जाके हम कर रहे होते हैं, जैसे रामा फेस्टिवल की आप एग्जाम्पल लें, शंदूर की एग्जाम्पल लें, बेशक हम टूरिज़्म को प्रमोट करें लेकिन ऑन एट द कॉस्ट ऑफ नेचर या लोगों की हेल्थ या इकोसिस्टम की हेल्थ के ऊपर ना करें। फॉल्ट लाइंस को डिवाइड किया जाता है, एक्टिव फॉल्ट लाइंस एंड डॉर्मेंट फॉल्ट लाइंस। तो डेफिनेटली देयर इज सर्टेन ज़ोनिंग अमंग ईच कैटेगरी कि जिसमें वो प्रोहिबिट करते हैं कि मेजर स्ट्रक्चर ना बनाया जाए। सिंगल स्टोरीज अलाउ की जाती हैं किसी हद तक, लेकिन सर्टेन जो है दोनों साइड पे फॉल्ट लाइन की वो अलाउ नहीं किया जाता कि मेजर स्ट्रक्चर वहाँ पर कंस्ट्रक्ट। जो सड़कों का जाल है इसको किसी उसे इंजीनियरिंग और बिल्डिंग कोड्स और बाकी इन चीज़ों को करके बनाया जाए तो फिर तो वो शायद मास मूवमेंट को इतना ट्रिगर ना करते, वरना ये बताते खुद ये जो टूरिज़्म है अगर इसको केयरफुली आफ्टर थारू स्टडी नहीं किया जाएगा तो ऐसे जो डिज़ास्टर्स हैं वो फर्दर एक्सपेंड होते हैं और दैट अफेक्ट्स द ओवरऑल रीजन। जाहिर है वो टूरिस्टिक एक डेस्टिनेशन है तो बाहर से भी काफ़ी सारी लोगों की फ़्लो होती है, और फैसिलिटीज़ उस तरह की वहाँ पे अगर अवेलेबल नहीं है तो जाहिर है वो केयरिंग कैपेसिटी जिसे हम कहेंगे वो फिर बैलेंस उस तरीके से नहीं रहता है, और पोल्यूशन का है क्योंकि लोग जो है ना इतने अवेयर नहीं होते हैं, और अगर अवेयर है भी तो थोड़ा इग्नोर करते हैं चीज़ों को, तो इन्वायरमेंट के हवाले से इतना ज़्यादा जो है ना वो कॉन्शियस फिर नहीं होता हर कोई। अप्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, चाहे वो अपर लैंड की तरफ कहे या जो रिवर बेड है उसकी तरफ
अगर हम देखते हैं रिवर बेड पे जो लोग रहते हैं तो वो ज़्यादातर उसमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करते हैं, जैसे टूरिज्म के एस्पेक्ट से उन्होंने कोई रिजॉर्ट बनाया या इवन कोई घर बना के उसको गेस्ट हाउस के तौर पे, या किसी के पास कोई और ऑप्शन फॉर एग्जांपल नहीं है तो वो बना लेते हैं, क्योंकि कोई रेगुलेशंस उस तरह की नहीं होती है कि यू नीड टू यू नो कंस्ट्रक्ट इतने मीटर जो है ना डिस्टेंस होना चाहिए उसके हवाले से, रिवर बेड के हवाले से। तो रिसेंट फ्लड में आपने ज़रूर देखा होगा कि इतने खूबसूरत इन्होंने लेट्स से अपने होटल्स बनाए थे या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए कोई भी जो है ना उन्होंने इंटरवेंशंस की थी, तो वो सारे जो है ना वो बह गए। द गिलगित बल्तिस्तान हैज़ बिकम द हब ऑफ टूरिज्म, कंट्रीब्यूटिंग मैसिवली टू द फेडरल इकोनॉमी। द लोकल्स आर स्टिल लिविंग विदाउट एनी बेसिक नेसेसिटीज। फ्लड के ऊपर जो ज़मीनें डैमेज हुई हैं, ज़मीन गए हैं, घर गए हैं, वहाँ पर लोग अपने मदद आप काम कर रहे हैं। लोगों के बागात यहाँ तबाह हो गए हैं, चेरीज के बागात थे, यहाँ अंगूर के बागात थे, वो सारे तबाह हो गए हैं। यहाँ मैक्सिमम जो घर डैमेज हुए हैं, मुकम्मल जो फिनिश हुए हैं, वो तकरीबन कोई 200 घर जो है यहाँ डैमेज हुए हैं। 52 घर ने मुतासर हुआ है, उसमें पूरा हम श्री के एक गाँव के लोग है, हम सब रिश्तेदार है। मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, हाई स्कूल नाइटिकासिफ हूँ। उस तनख्वाह से 38,000 तनख्वाह मिलता है, 3 बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देता हूँ, घर का भी महंगाई की हालत पता है आपको भी, तो मजबूर बस क्या करे, सोच के बस नींद नहीं आते, दिन को भी नींद नहीं आते, रात को भी नहीं आते। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.